अभी बोलो सर, लाइट आ गई। मूलभूत धारणाएं जो हिंदी पंजाबी में वर्ड होता है उसका इंग्लिश में एक वर्ड होता है फंडामेंटल। तो मेरी आदत कुछ ऐसे बन गई शुरू से ही कि मैंने लगभग हर किस्म के फंडामेंटल्स को क्वेश्चन किया है। मूलभूत धारणाएं जो हैं हर एक पर मैंने सवालिया निशान लगाया है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो आपने मेरी हेल्थ की बात कही कि 80 के साल पर मैं 80 का लगता नहीं या बोल सकता हूँ या दिमाग काम करता है, तो ये मतलब सुनने में अच्छी बातें लगती हैं। तो इस बारे में जो अभी आपने कहा कि मैंने खूब घी खाया होगा, तो ये भी एक ऐसी धारणा है, मूल धारणा, जिसको मैं ठीक नहीं मानता। क्योंकि जिस वक्त में मैं पैदा हुआ था 1932 में, उस वक्त हमारे पास जैसे आज भी इस देश में या बहुत सारे दुनिया के देश हैं जिसमें गरीबी का लेवल बहुत नीचे है, तो जिनके पास सूखी रोटी भी खाने को आसानी से ना मिले उनको, उनके लिए घी खाने के लिए यानी सुविधा नहीं थी, मुश्किल रहेगी। इसका मतलब है कि मेरी हेल्थ का कारण घी खाना नहीं है, सूखी रोटी खाना है, बल्कि सूखी रोटी खाना है। क्योंकि घी जो है वो आदमी में एक तो मोटापा ला देता है, और उसका एक्सेस अगर किया जाए तो वो मोटापा वगैरह और बीमारियां ला देता है, उससे लॉन्गिविटी नहीं बढ़ती। इसका मतलब है जिसको हम रेगुलरिटी कहते हैं या बैलेंस कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट का होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके कि घी दूध वगैरह ज़्यादा खाना। तो एक बंद करो, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जो भी वीकर सेक्शंस हैं या किसी भी किस्म की कोई अपने अंदर न्यूनता आदमी समझता है, उसको आगे बढ़ने के लिए जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ सर्वे, आत्म निरीक्षण, वो करना चाहिए। और ये भी हमें आसपास ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जिनको हम रोल मॉडल मान सकें, यानी जिनके व्यक्तित्व से हम कुछ ऐसी शिक्षा ले सकें और उन जिनका अनुकरण कर सकें और उससे अपने अंदर सुधार ला सकें और अपने जो साथी हैं या बच्चे हैं उनमें सुधार ला सकें। तो बाय चांस मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो आज के यूथ को खास तौर पर एक प्रेरणा दे सकते हैं। तो उस सिलसिले में यानी पीछे वाली बातें छोड़ते हैं, तो मैं सर्विस में रहते हुए ऐसी समस्याएं महसूस की गई कि चूंकि मैं वीकर सेक्शन से था, गरीब घर से आया था, और जो मेरे जितने भी साथी थे, चाहे पीसीएस में थे चाहे आईएएस में थे, वो ज़्यादातर एक तो अच्छे खाते पीते घरों के लोग थे, और अपनी कम्युनिटी से भी अगर कोई लोग थे ज़्यादातर उनमें ये वीकनेस पैसे लेने देने वाली आ जाती है, तो वो खाते पीते रह जाते हैं। मैं बदकिस्मती से नहीं कहूँगा, खुशकिस्मती से मैं ईमानदार रहा, कभी रिश्वत ली नहीं और किसी को दी भी नहीं। यहाँ तक कि सिचुएशन ये भी आ गई कि मेरे से किसी ने मांगी ही नहीं। जिस तरह से मैं औरों का काम कर देता था बिना पैसे लिए हुए, मेरे काम जहाँ भी पड़े तो लोगों ने पता नहीं किस वजह से मेरे से डिमांड ही नहीं की। तो बहुत बड़े बड़े काम मुफ्त में होते चले गए, क्योंकि मैं लोगों का काम मुफ्त में करता था तो मेरे काम भी मुफ्त में होते रहे। ये एक आज के युग में ऐसी बात कहने वाले लोग आपको कम मिलेंगे जिसको ये तसल्ली हो कि रिश्वत ना मैंने ली और ना मैंने दी और ना मेरे से मांगी गई। तो ऐसे जब हुआ तो फिर भी ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जिसको हम कहते हैं साधारण प्रेजुडिस, हसद, जेलसी, वो आमतौर पर रहती है। फारसी के कहावत है, हम पेशा हासिद हमेशा,
जिसको इंग्लिश में कहेंगे कि मैन ऑफ द सेम ट्रेड हैव टू बी जेलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से जलन होती है। तो जो हमारे जो कलीग्स थे उनमें जलन की भावना भी थी, जो अपने आप को बड़ा समझते थे, सेपरेशन की भावना थी। तो हमारे बॉसेस जो हैं, चूंकि मैं अर्ली लोगों में अपने कम्युनिटीज के अपने यानी सर्विस में आने वाले में एक तरह से पायनियर कहे जाने वाले लोगों में था जी। तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं था कि जिसको मैं अपना कह सकूं। और ये जो प्रेजुडिस है कास्ट वाला, ये तो आज भी है और कल भी रहेगा और परसों भी था। तो ऐसा सिस्टम है। उन लोगों में आत्मसम्मान के साथ और खुश रहते रहते वक्त गुजार देना ये मामूली बात नहीं है। लेकिन कैसे कैसे कंट्रोल किया, जिस तरह मैंने कहा कि यानी हमारे जो बॉस आमतौर पर जो सरकारी सर्विस में कंट्रोल करता है, वो ये उसके पास एक हथियार होता है कि मैं साल के बाद जो तुम्हारी रिपोर्ट लिखनी है वो मैं ख़राब कर दूंगा, इसलिए मेरी गुलामी करो। तो ऐसी सिचुएशन हर एक की लाइफ में आती है जो भी सर्विस करता है। तो मेरे सामने भी सिचुएशन हुई, मुझे भी कई एक आध बार थ्रेट किया किसी ने। तो शुरू में किसी ने तो थ्रेट किया, जो मेरा रिस्पांस हुआ वो जो रिस्पांस था वो सारे स्टेट में सर्कुलेट हो गया। पंजाब सिविल सर्विस से मैंने शुरू किया था 1957 में, वो सब जगह सर्कुलेट हो गया। उस सर्कुलेशन का ये हुआ कि मेरा नाम सब जगह चले गया, अभी इससे बच के रहना है, या वो किसी की परवाह नहीं करता। किसी ने कहा कि मैं देखता हूँ कैसा होता तो वैसा, लेकिन शुरू शुरू में हो गया। उसके बाद मेरी रेपुटेशन ऐसी होगी, मेरे साथ किसी ने उलझने की कोशिश नहीं की। तो हुआ क्या कि एक बॉस ने कहा कि रिपोर्ट तो मैंने लिखनी है। उन्होंने कहा फिर कहने का देख लो, मैं एडवर्स रिपोर्ट दे दूंगा। ओके, सुन लिया मैंने। फिर मैंने एक नोट लिखकर भेजा एक दिन कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वैसे तो मतलब ये बॉस के पास फाइल के बहाने से या किसी तरह से जाते रहते हैं, लेकिन मैंने इन राइटिंग भेजा ताकि उसके दिमाग पर बोझ पड़े। तो मैंने कहा जी मैं इरादा चाहता हूँ कि आप मुझे सुने और आधे घंटे का टाइम निश्चित कर लें, और उस वक्त कोई और नहीं होना चाहिए। तो इस नोट से ही वो घबरा गया यानी जो खास तौर पर एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था, कोई बात हो गई तो 3-4 दिन तो उसको सोचने में लग गई। और फिर हुआ तो पहले से तैयार था कि यानी ही बिकेम ऑन द डिफेंसिव कि भी बच के रहना। तो मैंने कहा जी आपने मुझे पता नहीं किन हालात में या किस मूड में कहा था कि रिपोर्ट आपने लिखनी है, इसका मतलब आप एडवर्स रिपोर्ट मुझे दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। आप रिपोर्ट अगर एडवर्स मुझे देना चाहें तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो मुझे काम नहीं आता या मैं मेरी सेंस ऑफ इंटेग्रिटी जो है वो डाउटफुल हो। तो मैं काम भी जानता हूं एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट माई सेल्फ दैट नबडी कैन क्वेश्चन माई सेंस ऑफ इंटेग्रिटी। तो मेरे ऊपर बेईमानी का चार्ज जो भी कोई लगाएगा उसको तकलीफ होगी, मुझे तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। और मेरे काम में आप कमी अगर ढूंढ पाओगे तो मैं माफ़ी भी मांग लूँगा। ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं अपना काम जानता हूँ, ये मेरी तसल्ली है। इन हालात में अगर आपने मुझे एडवर्स रिपोर्ट दी तो मुझे अधिकार है, मैं आपसे सीनियर जो बॉस है अफसर है उसके पास मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ रूल के मुताबिक कि मुझे इसने गलती से हिसाब से दी है, इसको एक्सपेंस किया जाए। जब मैं उसका जवाब लिखूंगा और आपकी वीकनेसेस बताऊंगा तो वो मैं वीकनेसेस बताऊंगा जो पक्की होंगी, जिसको आप इनकार नहीं कर पाएंगे, और आपके बॉसेस भी कहेंगे बात तो ठीक है। तो मेरे वाली जो एडवर्स रिपोर्ट है वो तो हो जाएगी एक्सपंज और आपको आपको मिल जाएगी क्योंकि रिकॉर्ड में आ गया कि आपने गलत रिपोर्ट दी। तो आप अपने अपना फायदा देखने के लिए देखते हुए मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट देने की कोशिश मत करना, अपने पैर पे आप खड़ा ना मार। हाँ, तो इस तरह से ये हुआ कि ये बात यानी उसको भी अजीब लगी और उसने अपने साथियों में कहा भी होगा यार मेरा कोई ऐसा अफसर है नीचे मातहत वो मुझे ऐसे धमकाता है, क्या किया जाए। तो इट बिकेम ए न्यूज़ और सारे स्टेट में सीनियर्स में सर्कुलेट हो गई।
तो एक तो तरीका मेरा ये रहा। दूसरा ये रहा कि मिनिस्टर्स आमतौर पर, यानी पॉलिटिक्स का सिस्टम ये है कि कोई भी आदमी, आम आदमी मिनिस्टर के पास जाता है, जनाब ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, और वो उसको यहाँ आदत सी पड़ी है, कागज़ लिया, दिस में भी डन, दिस में भी एग्जाम, दिस में भी एग्जाम, फिर टेलीफोन कर देता उसका पीए, कभी साहब ने कहा जल्दी करो जल्दी करो, आमतौर पर ऑफिसर कंप्लाई कर देते हैं। मैंने तरीका ये अपनाया, जो भी उसका ठीक ऑर्डर आए तो ऑर्डर की मुझे ज़रूरत नहीं थी, ठीक काम तो मैं कर ही देता था। अगर उस रुकना सर, तो ठीक काम तो मैं कर देता था, और रॉन्ग ऑर्डर अगर उसने दे दिए तो मैं फाइल पर उसको एनालाइज कर देता था कि आपने ऐसे ऑर्डर किए हैं, फला रूल या लॉ के मुताबिक इस ये गलत है, और रूल्स ये परमिट करते हैं ऑफिसर को कि गलत ऑर्डर्स की कंप्लायंस नहीं होने चाहिए, इसलिए उसका सहारा लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर आपके गलत हैं और इसलिए इनकी कंप्लायंस हो नहीं सकती और इसका मतलब नहीं की जाएगी। तो ये जब उसके पास रिपोर्ट जाती थी तो वो घबरा जाता था, आपस में बात करता था, वो कहते हमारा तो अफसर में किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं करी है। तो एक बार ऐसा हुआ, मैं था किसी बोर्ड का चीफ, तो उसने मिनिस्टर ने अपना सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, उसका जो हेड होता है डिपार्टमेंट का, उसको बुलाया, कहने लगा भी इसको धनी को धमकाना है कुछ, उसको बुलाओ, कहने लगा अपने कमरे बुला लो, मैं भी आ जाऊँगा, वो मेरा भी हुक्म नहीं मानता, आपका भी नहीं मानता, तो ठीक है। वहाँ गए तो उसके पास कई और दोस्त बैठे थे, उन्हीं के सामने उसने बातचीत करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती, मेरी बेइज्जती होगी तो मैं घबरा जाऊँगा, तो लेकिन हुआ कुछ और। उन्होंने कहा कि धनी साहब, मैंने फला केस में आपको हुक्म दिया था, आपने उसके कंप्लायंस नहीं की। मैंने कहा जी कंप्लायंस तो मैंने की थी, आपका हुक्म आया, मैंने बता दिया था, उसको एनालाइज कर दिया, मैंने बता दिया ये इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता, ये रूल के खिलाफ है, तो मैंने बता दिया था, इसलिए नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं अगर फिर लिख के दे दूँ, मैंने कहा मैं फिर वही वैसे ही लिख दूँगा कि ये नहीं हो सकता, और कहने फिर लिख के दे दूँ, मैं तीसरी बार, आप 10 बार लिखिए, मैं 10 बार मेरा वही जवाब रहेगा। तो वो एक कॉमिक सिचुएशन बन गई, लोग इस पर मुस्कराने लग गए। तो ऐसी सिचुएशन आई। एक बार ऐसा हुआ कि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन होता है, तो चंडीगढ़ में एक पब्लिक फंक्शन हुआ, और गवर्नर जो थे वो जी डी तपासे नाम के थे, बम्बई के, हरियाणा में, तो वो गवर्नर चीफ गेस्ट थे, और मैं भी वहाँ चला गया, और किसी ने मुझे भी डाइस पर जगह दे दी और मुझे भी बोलने के लिए कहा। तो मैंने ये कहा कि हम मना तो रहे हैं बाबा साहब का जन्मदिन ये, लेकिन एक मेयर फॉर्मेलिटी से रह गई है, और ये एक इस पर सोचने की बात है कि एक तरफ तो आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, उनका जन्मदिन का ये महत्व है कि हमारे राज्यपाल महोदय, गवर्नर साहब यहाँ चीफ गेस्ट हैं, और हम उनकी उस जयंती को आदर से मना रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे पास सुविधा है, कुछ अपने भी अखबार ले लेता हूँ, 2-3 सरकारी भी ले लेता हूँ, सबको मैंने नज़र डाली, किसी अखबार ने बाबा साहब के बारे में एक शब्द की, किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं दी है, ना उनके बारे में आर्टिकल है, ना कोई न्यूज़ है, ना कोई ऐड है। इसका मतलब है कि अखबारों वालों ने या जो सरकारी तंत्र हैं कंसर्न, उन्होंने बाबा साहब को पहले से ही मरा हुआ मान लिया है, एक पैक्ट बना रखा है उसने। हाँ, तो अगर उनको मरा हुआ मान लिया गया है तो उनकी जयंती मनाने का क्या अर्थ हुआ, डबल डीलिंग सी हो गई। तो ये एक विचारणीय बात है, या तो हम उनका सम्मान करते हैं या अपमान करते हैं। तो अखबारों में अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब अपमान है, और अखबार वाले कर रहे हैं तो फिर बाकी कौन रह गया, सारे यानी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात जो मैंने कही तो उन गवर्नर साहब के ऊपर इसका कुछ से ऐसा प्रभाव पड़ा, उनको याद आता रहा, तो मेरे पास मैसेज आया कि जी गवर्नर साहब ने याद किया आपको। मैं चला गया, उन्होंने कहा भी आपने जो बातें कही वो मेरे दिमाग में घूमती रही, और आपके पास हिम्मत भी है और तर्क है बड़ा अच्छा है, आप मिलते रहा करो। मैंने कहा साहब, मैं
अकेला तो वैसे आदमी हूँ और मेरी कोई अपनी ताकत नहीं है, आपसे मैंने मिलना शुरू कर दिया तो रूल्स के मुताबिक मैं आपसे मिल ही नहीं सकता, मिलूँ तो रूल्स रिक्वायर करते हैं कि गवर्नर से आप मिले ही क्यों, मेरे जवाब तलबी की जाएगी। फिर ये रिक्वायरमेंट है कि गवर्नर ने बुला भी लिया तो वो रूल कहते हैं कि आप बताओ आपको बुलाया, इस वजह से बुलाया, क्या सवाल किया, क्या जवाब दिया, ऐसी रिपोर्ट मुझे अपने बॉस को सबमिट करनी पड़ती है और फिर उसकी छानबीन होगी कितना मैंने गलत कहा कितना ठीक कहा, और उसमें मेरा कसूर सिद्ध हो जाएगा तो मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ये हुक्म मुझे बंद दो। उन्होंने कहा कि नहीं, आप आइए और रिपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आप मेरे से सरकारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। रुक जाओ सर। हाँ, तो मिनिस्टर को मैंने बताया कि आपने जो हुक्म दिया उसका मैंने एनालाइज करके भेज दिया था कि इस वजह से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं फिर अगर हुक्म दूँ, मैंने कहा फिर वही लिख दूंगा, और फिर दूँ, मैंने कहा आप 10 बार लिखिए मैं 10 बार दे दूंगा, क्योंकि मुझे सरकार की इंस्ट्रक्शंस ये हैं और सबको हैं कि गलत ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करना। तो आप गलत ऑर्डर दोगे तो ये होता रहेगा, आप ठीक ऑर्डर दीजिए उसकी कंप्लायंस हो जाएगी। ये उसका उसके कमरे में एक कोई और एमएलए था, उसका नाम था योगेश शर्मा, उनसे मेरी तो कोई वाकफियत नहीं थी क्योंकि मैं इन लोगों से कम वाकफियत रखता था, लेकिन उसने सबके सामने एक अजीब ऐसी बात कही जो मेरे लिए काफ़ी घातक हो सकती थी। और जो मिनिस्टर था उसका नाम था कतियाल, उसने कहा कि जी मिनिस्टर साहब मुझे तो आज की ये बात कुछ अजीब सी लग रही है, आप मिनिस्टर हैं और ये आपके मातहत हैं, डेजिग्नेशन तो इम्पोर्टेंट है कोई बात नहीं लेकिन आपके तो मातहत हैं और आपके पास ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं और आप मुझे कुछ बेबस से लग रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए मुझे नहीं मालूम। मैं ये बता देता हूँ मैं मिनिस्टर बना नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं मिनिस्टर हूँ और मेरे पास यही सिचुएशन हो, मैं उस अफसर को आपकी तरह से सवाल करूँ और वो इस तरह से जवाब दे, तो कतियाल साहब मैं तो आपकी जगह मैं होता तो मैं ये कहता या तो ये नहीं या मैं नहीं हम दोनों एक जगह नहीं रह सकते, या तो मेरे मुताबिक चलेगा वरना ये यहाँ नहीं रहेगा, और ये रहेगा यहाँ तो मैं नहीं रहूँगा, हम ये नहीं को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एक सिचुएशन ऐसी रही। अच्छा, तो वो गवर्नर साहब वाली जो बात थी वहाँ पर आते हैं, तो गवर्नर साहब ने जब ये बात कही तो एक दिन उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ। तो मेरा उस वक्त वो था डिप्टी सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट, था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर सेक्रेटरी बराबर, मतलब बहुत बड़ा अफसर नहीं था, था आम लोगों के लिए बड़ा अफसर था लेकिन हायरार्की में वो बहुत बड़ा अफसर नहीं था, और गवर्नर कहे कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ तो गवर्नर अकेला तो आएगा नहीं, उसके साथ पूरा पैराफर्नेलिया होगा। तो अब मैंने कहा कि जैसा आप मुनासिब समझे, लेकिन मैं ही आ जाता हूँ तो आपकी क्या ज़रूरत है, नहीं नहीं मैं देखना चाहता हूँ कि आप काम कैसे करते हो, ये आप जो हिम्मत है ये कैसे, चलो आइए। तो जैसा भी हमसे उनका चाय पानी का सत्कार हो, ड्यूटी है तो मतलब भी अपना कर्तव्य था उसको निभाया। उस वक्त उन्होंने कहा कि धनी साहब मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे, आप गवर्नर होकर मुझसे प्रार्थना, आप स्ट्रेट अवे हुक्म करिए। कहले नहीं, वो बात ऐसी है कि आपको हुक्म नहीं कर सकता, प्रार्थना मैं करूँगा और ये आपकी मर्जी है कि मेरा प्रार्थना मानो या ना मानो, ये आप धर्म संकट में डाल दिया सर, जो कुछ भी आप हुक्म करें कि प्रार्थना कर जो कुछ भी है, लेकिन मुझे पता तो चले आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गणपति फेस्टिवल होता है, 10 दिन मनाया जाता है।